हेलो दोस्तों, मैं हूं शिल्पी और आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूं। जी हां, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी, आपको मार्केट से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। अगर कोई डिमांडेड रेसिपी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अच्छी लगे तो लाइक तो कीजिएगा दोस्तों, और पसंद आए तो कमेंट भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले यहाँ हमने दूध लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कटोरे में 1/4 दूध लिया है। ये नॉर्मल दूध है, ना गर्म है ना ठंडा है, उबाला हुआ दूध है। इसमें हम डाल देते हैं कस्टर्ड पाउडर। जी हाँ, क्योंकि कस्टर्ड आइसक्रीम बना रहे हैं तो कस्टर्ड चाहिए, तो 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर हम डाल देते हैं। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर लेंगे तो इसमें थोड़े से वनीला एसेंस की आपको जरूरत पड़ेगी, तो कस्टर्ड पाउडर में वनीला एसेंस और कॉर्नफ्लोर डाला रहता है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसमें गुलटियाँ बिल्कुल भी नहीं थी। अब यहाँ पर हमने 2 कप दूध लिया है, तो ये मेरे 240 ml का कप है, इससे हमने 2 कप दूध यहाँ पे ले लिया है। और आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा उबाल आ चुका है। इसमें 1/2 कप चीनी डाल देते हैं। 1/2 कप चीनी हमने डाला है, इसे ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा मीठी आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती है। देखिए चीनी भी अच्छे से घुल गई है। जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था उसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लें, क्योंकि नीचे में ये बैठ जाते हैं। तो देखिए मिक्स कर लिया है और इसे फटाफट डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम रखा है हमने मीडियम, तो मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर चलाएंगे, क्योंकि ये जल्दी गाढ़ा हो जाता है। कॉर्नफ्लोर का नेचर होता है, वो जल्दी से वो थिकनेस ला देता है, तो आपको लगातार चलाना है, नहीं तो पेंदे में चिपक सकते हैं। एक बात और शेयर करूँगी, आप जो दूध लें वो दूध फुल फैट वाली, आप जो आती है ना दूध, वो लें। तो देखिए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है, लगातार चला रही हूँ मैं इसे, तो कितना अच्छी तरह से यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट लग जाते हैं इसे इतना गाढ़ा होने में, तो आपको इतना गाढ़ा कर लेना है। तो देखिए इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए यहाँ पे, और गैस का फ्लेम अब यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। लगभग 8 से 9 मिनट मुझे लग गए हैं इसे कुक करने में, इस कस्टर्ड को। तो देखिए इस तरह का टेक्सचर आ गया। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाए तो आप इसे फ्रिज में रख दें, तो ये ज़्यादा अच्छे से चिल्ड हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पर क्रीम लिया है, तो यहाँ पे हमने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम लिया है। आप चाहें तो क्रीम भी ले सकते हैं, इसे हम फेटेंगे। तो इसे चाहे आप इसे बलून विस्क से फेटें, या इस तरह से मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन है इससे मैं फेट रही हूँ, तो दोनों तरह से फिटेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक मशीन से जल्दी फिटती है, और जो बलून विस्क जो हमने यूज़ किया है उसे थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर बलून विस्क से आप करेंगे तो लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, और ये इसे करेंगे इलेक्ट्रिक विस्क से तो 5 मिनट लगते हैं। तो अब देखिए इसे हमने फेटा है अच्छी तरह से, और इसे हम पलट कर देख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी क्रीम गिरनी नहीं चाहिए यहाँ पर, तो बिल्कुल भी क्रीम यहाँ पर गिर नहीं रही है। आप अमूल फ्रेश क्रीम से भी इसे बना सकते हो, तो देखिए बिल्कुल भी गिर नहीं रही। और ये हमारी जो कस्टर्ड है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, फ्रिज में रख दिया था। ठंडी होने के बाद इसे हम फ्रिज में रख दिए, तो अच्छे से चिल्ड है यहाँ पर ये, और इतनी गाढ़ी हो जाती है ठंडी हो जाने के बाद। अब इस व्हिपिंग क्रीम में इस कस्टर्ड को हम यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़े से फूड कलर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, थोड़े से कलर के लिए, नहीं तो ऐसे भी आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनेगी, क्योंकि हल्के से कस्टर्ड आइसक्रीम थोड़ा सा उसमें कलर रहता है, तो इसमें हमने कलर डाला है। आप बिना कलर के भी बना सकते हो, थोड़ा टेक्स्चर अच्छा आ जाता है कलर से। और देखिए इसे फिर से हम मिक्स कर लेते हैं, बस इसे हमें मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अच्छे से दोनों कस्टर्ड और व्हिपिंग क्रीम अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए, तब तक इसे हम मिक्स कर लेते हैं। एक चीज़ और शेयर करूँगी, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक विस्क नहीं है तो आप यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर को आपको फ्रिज में अच्छे से चिल्ड कर लेना है। फ्रीज़र में रख दें 1 घंटे के लिए, अच्छे से चिल्ड हो जाए तो आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करें। तो मैं आपके साथ 3 ऑप्शन बताए हैं, तीनों ऑप्शन आप यूज़ करें, बहुत अच्छे से होगा। देखिए मिक्स करने के बाद इसे हम अच्छे से कवर कर देते हैं, और इसे हम फ्रीज़र में 4 घंटे के लिए रखेंगे, 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे। तो 5 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे में मैंने निकाला तो अच्छे से यहाँ इसमें जमे नहीं थे, हल्के हल्के जमे थे। तो 5 घंटे के बाद मैंने निकाला, तो देखिए अभी भी ये हाफ ही जमा है, तो उतना ही जमा रहना चाहिए, पूरी तरह से हमें नहीं जमाना है इसे। तो फिर से इसे हम मिक्स कर लेते हैं, तो ये देखिए हल्का ये पूरी तरह से नहीं जमा है, 50% ही यहाँ पे जमा है, तो इतना ही हमें जमाना है। तो फिर से इसे हम मिक्स कर ले रही हूँ,
तो इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्सर ग्राइंडर में भी बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्क नहीं है। देखिए मिक्स करने के बाद इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। जी हाँ, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है, सिर्फ सिंपली तवे पे रोस्ट कर लिया। काजू और बादाम है, इसे हमने बारीक करके डाला है। और थोड़े से मेरे पास बटर स्कॉच क्रंच थे परलाइन, वो मैं डाल रही हूँ। मैंने आपसे शेयर की है बटर स्कॉच क्रंच कैसे बनती है, आप मेरे वीडियो में देखें, मैं अब लिंक दे दूंगी नीचे। मैंने ब्रेड पुडिंग बनाया था तो उसमें मैंने बटर स्कॉच क्रंच बनाया था, बहुत ही ईजिली बन जाते हैं अगर इसमें डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नहीं तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल दें। एक मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया है प्लास्टिक का, इस तरह से स्क्वायर शेप का, उसमें मैं सारे मिक्सचर को डाल दूंगी। और इसे फिर से हम एल्युमिनियम पेपर से कवर कर देते हैं इस तरह से, और इसे हम फ्रिज में लगभग 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। आप चाहें तो इसे पूरी रात रखें तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसे पूरी रात रखने वाली हूँ। देखिए सुबह हो चुकी है, मैं सुबह को आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूरी रात रखा है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमारा आइसक्रीम सेट हो चुका है, बहुत ही क्रीमी बना है। आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं। अगर फ्रीजर से निकालें और इस तरह से ना निकले तो आप इसे गर्म पानी में स्कूपर को डालें तो बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो देखिए गर्म पानी में मैंने डाला है, बहुत ही आसानी से ये निकल भी आती है। तो देखिए गर्म पानी में डालें, बहुत अच्छे से निकलेगी। चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसका आया है, जो इसमें हमने परलाइन डाला था, इससे इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है ड्राई फ्रूट्स के साथ। इसके ऊपर से थोड़े से हनी डाल दें या चॉकलेट सॉस डाल दें, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो कस्टर्ड आइसक्रीम को थोड़े से डिफरेंट वे में आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस पर मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालूंगी और थोड़े से यहाँ पे सिल्वर बॉल्स डाल दूंगी। देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, आप इसे ज़रूर बनाएं, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। थोड़े से पिस्ते से भी गार्निश कर दिया। फिर मिलते हैं, थैंक यू।